सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। यहां पर सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहां पर साइंस का जो आपका सिलेबस है दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसके विषय सूची के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो आपका पहला चैप्टर बनता है मेरे साथियों वो आपका बनता है सजीव वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, सजीव वस्तुएं क्या होती है, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, चैप्टर फर्स्ट आपका ये बनता है। अगर इसमें हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर आपको डिटेल में देखने को मिलता है, यानी कि सजीव तथा निर्जीव जो वस्तुएं हैं ये आपका पहला टॉपिक बनता है। पहले चैप्टर में पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, जैसे हेडिंग के बाद सब हेडिंग होती है वैसे टॉपिक के बाद सब टॉपिक बनता है यहाँ पर। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिविंग थिंग्स देखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं और सजीव निर्जीव वस्तुओं के मध्य अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर बताना है। उसके बाद निष्कर्ष की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि टोटल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा परिचय, यानी सजीव निर्जीव जो हमारा है उसका परिचय क्या होता है, आखिरकार सजीव फिर क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं और सजीव निर्जीव में अंतर क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि इनके मध्य कौन सा अंतर है, क्या अंतर है इनके मध्य। तो सबसे पहले आज हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो दूसरे अगर हम टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर जो कि हमारा कहता है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं यानी नेचर एंड मैन मेड थिंग्स जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पर, जो कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, अन्य मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, सामग्रियाँ क्या होती हैं। थर्ड इसी के अंदर हमारा टॉपिक आता है पौधे एवं जंतु यानी प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं, इनके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक हैं। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, ये तो हमारे टॉपिक वाइज हो गए, अगर हम चैप्टर चैप्टर की यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर हमारा वनस्पति जगत आ जाता है यानी प्लांट वर्ड आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे चैप्टर के बारे में जो कि हमारा आ जाता है पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन, प्रजनन क्या होता है, परिचय और पौधों में प्रजनन के प्रकार, पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर हमारा चैप्टर है भौतिक मापन, जो कि हमारा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल होता है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विभिन्न भौतिक मापन के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये आपका थोड़ा बहुत इसमें आप जो है वो थोड़ा बहुत ऐसी हमारे सब्जेक्ट इसमें हमारे कुछ बहुत ऐसे टॉपिक आते हैं जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर हमारे एसआई प्रणाली, ठीक है, एसआई के साथ मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग फिजिकल मेजरमेंट पढ़ेंगे यानी कि भौतिक मापन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की जो कि हमारा गति एवं बल होता है, जी हाँ दोस्तों, गति और बल में मोशन एंड फोर्स जो होता है हमारा यहाँ पर, गति, गति के उदाहरण गिने, गति के प्रकार, ये सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएँ, ठीक है, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएँ। उसके बाद हम लोग विभिन्न मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है यानी कि हमारे यहाँ पर टोटली अगर बात करते हैं यहाँ पर हमारे सात ही चैप्टर यहाँ पर हमारे दिए गए, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं तो सात चैप्टर यहाँ पर दिए गए, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर विभिन्न मॉडल, इसमें वर्षा का संचयन परिचय, वर्षा जल का संचयन के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूँ यहाँ पर आप लोगों को 2016 का, ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों सारांश देखने को मिलेगा, सारांश देखने को मिलेगा और आपके अभ्यास प्रश्न होंगे। अभ्यास प्रश्न आपके तीन टाइप के होंगे, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। एक आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, उसके बाद आपका लघुत्तरी प्रश्न होगा और एक आपका टॉपिक, एक आपका जो यहाँ पर टाइप बनेगा वो आपका बहुविकल्पी का टाइप बनेगा, ठीक है। तो मतलब तीनों टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अति लघुत्तरी पेपर हमारा यार दोस्तों 25 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 25 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर पांच आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो आपके 2016 से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 2017 से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 2018 से रिलेटेड आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2019 से रिलेटेड आपका जो प्रीवियस पेपर है, ये चार साल के हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम दोस्तों अपने अध्याय फर्स्ट की ओर, जो कि आपका लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु में किसे कहते हैं, सजीव वस्तु में, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आ जाता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट।
चैप्टर हमारा है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं। अगर हम मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे परिचय पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो परिचय में आपका इंट्रोडक्शन क्या आ जाता है कि हमारे चारों ओर जो भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं और उनके विभाजन का मुख्य आधार जीवन है, उनके विभाजन का एक ही मुख्य आधार है जो कि जीवन होता है। यानी कि सभी सजीव वस्तुएं, जैसे कि आप बात कर लेते हैं यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, जंतु, कीट, पक्षी, सूक्ष्म जीव आदि, ये सभी क्या होते हैं, इसमें सामान्य विशेषता होती हैं और वह है जीवन। इन सभी में सामान्य विशेषताएं होती हैं जो कि जीवन होती हैं। दूसरी ओर हम यह अगर बात करते हैं निर्जीव के बारे में, जैसे कि आपका बोतल हो गया, पेन हो गया, कुर्सी आपकी हो गई, ठीक है, दरवाज़ा जो आपके हो जाते हैं, कंप्यूटर आपका हो गया, मोबाइल इत्यादि जो होते हैं ये जीवित नहीं होते हैं, ठीक है। जीवित ये होते ही नहीं हैं, और जीवित या सजीव वस्तुएं इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें हम कोशिका यानी कि सेल कहते हैं, ठीक है, सेल कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोशिका से निर्मित नहीं होते हैं। कौन सी? निर्जीव वस्तुएं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों स्पेशल लिविंग थिंग्स के बारे में, हम बात करेंगे सजीव वस्तुओं के बारे में, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सजीव वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है कि यानी कि जो बात करते हैं यहाँ पर सजीव वस्तुएं वो होती हैं जो जीवित होती हैं। बेसिकली हम लोग ऐसे अपनी भाषा में कह सकते हैं भाई साहब कि जो भी वस्तुएं होती हैं जो जीवित होती हैं वो सजीव होती हैं, ठीक है। यानी इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कोशिका के रूप में जाना जाता है जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। अगले यहाँ पर बात करते हैं कि ये विभिन्न ऊतक अंगों के रूप में संयोजित होते हैं। जब ये सभी अंग एकीकृत इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं तो उसे अंग प्रणाली कहा जाता है और वह सजीव कहलाते हैं। ये सजीव प्राणी जैसे कि आपके यहाँ पर मनुष्य आ जाता है, पेड़ पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर, कवक, बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम यहाँ पर शैवाल और प्रोटोजोआ आदि की बात करते हैं, ये सभी हमारे क्या होता है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अब भाई साहब अगर सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं तो इन सजीव वस्तुएं जो होती हैं, जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं, इनके गुण भी तो होने चाहिए, क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, इनके गुण भी होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यानी कि सजीव वस्तुओं के कुछ प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो ये स्वयं गति करते हैं, ठीक है, ये स्वयं गति करेंगे सजीव होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कि समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं, ठीक है, वृद्धि एवं विकास करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सजीव वस्तुएं के अंतर्गत आ जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं, इन्हें पोषक की आवश्यकता भी होती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन भी करते हैं और नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर बाह्य वातावरण के प्रति प्रक्रिया करते हैं और ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूल रहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पर समय के साथ वृद्धि विकास करते हैं। भाई साहब यहाँ पर एक जो पत्थर होता है वो भी वहाँ पर बढ़ता है, पानी में अगर पत्थर पड़ा होता है तो वह भी बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग अपवाद के रूप में रखते हैं। अगर वही बात करते हैं हम लोग किशमिश के बारे में, ठीक है, किशमिश के बारे में, तो किशमिश भी क्या होता है, अगर पानी में डाल देते तो वो फूल जाता है, यानी कि पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तब भी वहाँ पर भी तो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसका वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही, बड़ा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ें अपवादों को छोड़ करके यानी कि वृद्धि और विकास करते हैं तो वो सब हमारे क्या होते हैं, सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर निर्जीव के बारे में, यानी कि निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं है। सबसे पहली बात कि निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं है, अर्थात उनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित रहती है और ये जीवन का कोई विशेष गुण नहीं है, यानी कि प्रजनन, ये जीवन का कोई विशेष गुण जैसे कि प्रजनन, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, अनुकूलन, उत्तरदायित्व, गति आदि नहीं करते हैं, जैसे ये सभी क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं। और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका यहाँ पर प्लास्टिक आ गया, लकड़ी आ गया, लोहा आ गया, धातु, चमड़ा, कपास, पेन, कीबोर्ड, गैजेट्स, रॉक आदि, ये सभी क्या होते हैं, निर्मित या उत्पादित होती हैं, इसी वजह से इनको निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब अगर निर्जीव वस्तु है तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, उनके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए उनके, निर्जीव वस्तुओं के, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट नंबर की
कि इनमें कोई कोशिका नहीं होती है, सेल कोई भी नहीं होती है इनमें, और इनमें कोई विकास नहीं होता है, इनमें कोई संचालन या गति होती ही नहीं है, और इन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें श्वसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं और इनकी कोई जीवन अवधि नहीं होती है, इनमें किसी भी प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं होती हैं और मृत्यु का अनुभव नहीं होता है इन्हें। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्वालिटीज़ हैं ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स की, क्वालिटीज़ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स की हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको एक और फोर्थ नंबर यहाँ पर आपको पॉइंट एक चीज़ और बताया था यहाँ पर कि सजीव और निर्जीव की वस्तुओं के मध्य अंतर, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच अंतर क्या होता है, यानी इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, यानी कि वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि जब वायरस शरीर सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचय तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं होता है। जबकि निर्जीव में अगर वो चला जाएगा तो वहाँ पर प्रजनन नहीं होता, यानी सजीव एवं निर्जीव के मध्य प्रमुख अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर बात करें यहाँ पर उसके आधार के बारे में और सजीव वस्तुओं के बारे में और निर्जीव वस्तुओं के बारे में, तो आधार उसका आपका कोशिकीय संरचना आ जाता है। उसका आधार क्या है, कोशिकीय संरचना। दूसरा आधार आपका संवेदनशीलता। तीसरा आधार उसका उपापचय। और चौथा आधार आपका वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर कोशिका संरचना, फर्स्ट उसका आधार जो है वो है कोशिका संरचना। इसमें सजीव वस्तुएं क्या होती है कि वे जीव जो जीवित होते हैं तथा जिनकी रचना सूक्ष्म कणों अर्थात कोशिका द्वारा होती है, सजीव वस्तुओं के रूप में जाने जाते हैं। इसी में अगर हम कोशिकीय संरचना के बारे में अगर बात करें निर्जीव वस्तुओं की, तो वे वस्तुएं जो कभी जीवित रही होंगी या बिल्कुल भी जीवित नहीं होती हैं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा आधार हमारा हो जाएगा संवेदनशीलता, यानी कि सजीव वस्तुओं की एक विशेषता होती है, सजीव वस्तुओं की विशेषता उनकी संवेदनशीलता होती है, जिनके माध्यम से वे विभिन्न वस्तुओं को समझते हैं तथा बाह्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। और वहाँ पर बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में, तो इसके विपरीत निर्जीव वस्तुएं बाहरी उद्दीपन के प्रति असंवेदनशील होती हैं। उपापचय क्या होता है, उपापचय यानी कि एनाबॉलिज्म, उपचय, कोटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, अपचय जैसे क्रियाएं केवल सजीव वस्तुओं में ही होती हैं और निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। वृद्धि एवं विकास क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि सभी सजीव प्राणियों का प्रमुख गुण वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे कि आपके बात करते हैं यहाँ पर सजीव जीवों में शरीर की कोशिकाओं की उपस्थिति नियमित विकास होता है, और निर्जीव में क्या होता है, ये चीज़ निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार की कोई भी वृद्धि एवं विकास नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर, काफ़ी सारे दिए गए हैं आपके यहाँ पर। वातावरणीय नियंत्रण भी आता है इसी में, निश्चित आकृति भी आती है और आपके संगठन भी आ जाता है, आवश्यकता, श्वसन क्रिया, प्रजनन, जीवन से। जैसे प्रजनन में आपका आ जाता है सजीव वस्तुएं प्रजनन, सजीव वस्तुएं प्रजनन जो है वो करती हैं और निर्जीव वस्तुएं जो है प्रजनन नहीं करती, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी कि जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं तो इनकी मृत्यु होती है और उनमें कोई भी मृत्यु, कोई भी उनकी एज जो है वो निर्धारित नहीं की जाती है निर्जीव वस्तुओं के। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, काफ़ी सारे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो वो तो आपकी अलग बात हो गई, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर दोस्तों आता है एक, यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष क्या होता है, यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सजीव तथा निर्जीव हो सकती हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर सभी सजीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती हैं। पेड़ पौधे तो करते नहीं हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ करके बात की गई, यानी निर्जीव वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी माध्यम जैसे कि व्यक्ति आदि की आवश्यकता होती है। सजीव वस्तुओं में विकास के विभिन्न चरण दृष्टिगत होते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसे कोई चरण दृष्टिगत नहीं होते हैं। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि सजीव वस्तुओं के संबंधित, सजीव वस्तुओं के लक्षण संबंधी गतिविधियाँ, लक्षण संबंधी गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यानी कि सजीव वस्तुओं में लक्षण निम्नलिखित गतिविधि से पढ़ाए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर आपका हो गया बच्चों से कक्षा के बाहर
की वस्तुएं एकत्रित करके उनका सजीव और निर्जीव में वर्गीकरण करने को कहें। फिर उनसे पूछे कि लक्षणों के कारण उन्हें बच्चों ने सजीव और निर्जीव माना है या नहीं माना। मतलब ये आप करवा के देख सकते हो, ऐसा नहीं है ठीक है कि आप इसको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया निष्कर्ष। आपने बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया, जैसे कि मैंने, अगर आप क्लास में होते तो मैंने आपको जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया था कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे ठीक है, इनको इनके बीच अंतर क्या होता है, निर्जीव को कैसे पहचानेंगे, सजीव वस्तुओं को कैसे पहचानेंगे, तो ये बेसिकली आपका निष्कर्ष के अंतर्गत है। यानी पूरा हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका निष्कर्ष निकल के करके क्या आता है, वो चीज़ होता है ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएँ पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या था, पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया सजीव और निर्जीव वस्तुएँ, जिसके अंतर्गत आपके परिचय सजीव वस्तुएँ निर्जीव वस्तुएँ क्या होती हैं, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे और इनके बीच अंतर क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्त मित्रों के साथ। पहला चैप्टर आपका दोस्तों सजीव वस्तुएँ, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएँ ठीक है। टॉपिक हमारा जो चैप्टर हमारा था वो क्या था, चैप्टर हमारा सजीव वस्तुएँ था, जिसमें से हम लोग सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में मैंने सिर्फ बेसिकली आज आपको बताया है ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।